frequency measure. A measure of central tendency, mean, median, mode provide a single value that summarize the entire distribution of data. हम कहते हैं कि जो central tendency होता है, central tendency हमारे पास क्या है कि हम mean, mode और mode, mean, median, mode जो है ये हमारे पास central tendency है, सही है? ये हमारे पास क्या करता है, single value देता है जो कि हमारे पास summarization है of the distribution of data, कि हमारे पास के data कितना distribute हुआ है, वो single value information देता है, सही है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम कहते हैं कि नंबर फ्रीक्वेंसी मेजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास क्या देता है, फ्रीक्वेंसी मेजर है. और हम फ्रीक्वेंसी को तीन मेजर करते हैं, रेशो, प्रोपोर्शन एंड रेट. सही है? इन तीनों में हमारे पास नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और उसको हम स्पेसिफिक वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं. सही है? अब आता है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रोपोर्शन रेट्स एंड रेशो. इज नोमिनेटर इंक्लूड इन डिनोमिनेटर. हम कहते हैं कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में इंक्लूड है कि नहीं. अगर इंक्लूड नहीं है तो बेसिकली हमारे पास क्या शो करता है, रेशो. रेशो में हमारे पास हम कंपेरिजन करते हैं टू डिफरेंट क्वांटिटीज की या टू डिफरेंट वेरिएबल्स की हम कंपेरिजन करते हैं. सही है? मीन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ही हमारे पास डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं या डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं. सही है? इसी तरह हम कहते हैं कि नोमिनेटर जो है वो इंक्लूडेड है डिनोमिनेटर में, तो ये तो हमारे पास ये शो करता है या तो रेट शो करता है या प्रोपोर्शन. अब हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर टाइम मौजूद हो तो हमारे पास रेट को शो करता है, और अगर टाइम मौजूद नहीं हो तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन को शो करता है. सही है? इन दोनों में हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर इंक्लूडेड. नोमिनेटर जो है वो पार्ट होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम हो तो वो हमारे पास रेट है, जबकि टाइम मौजूद ना हो तो प्रोपोर्शन है. सही है? अब आता है रेशो. तो हमने कहा कि रेशो बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन है बिटवीन टू क्वांटिटीज या टू वैल्यू के. सही है? हम कहते हैं कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट नीड टू बी रिलेटेड, कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास रिलेटेड नहीं होते. सही है? इस तरह हम कहते हैं कि नोमिनेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, कि नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता. सही है? अब हम रेशो को किस तरह मेजर करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर रेट ऑफ इवेंट आइटम्स पर्सन इन वन ग्रुप में जो ये इवेंट सारे हो रहे हैं और दूसरे ग्रुप में हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सेम थिंग की हम कंपैरिजन कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट ग्रुप में. सही? इस तरह हम नंबर रेट ऑफ इवेंट एक ग्रुप में मेजर करते हैं, इस तरह नंबर आर रेट ऑफ इवन दूसरे ग्रुप में मेजर करते हैं. सही है? तो इस तरह हम कहते हैं कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सेम वेरिएबल. आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है, सेम उसमें सेम वेरिएबल होते हैं लेकिन कैटेगरीज चेंज होती है. इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जेंडर है तो सेम वेरिएबल है लेकिन कैटेगरीज चेंज है, मेल एंड फीमेल. सी इस तरह हमारे पास एज है लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज है. सही है? डिफरेंट एज ग्रुप पर कंपैरिजन हो रहा है. सही है? इस तरह हम कहते हैं कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर कम्प्लीट डिफरेंट वेरिएबल, कि इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास बिल्कुल कम्प्लीट डिफरेंट होता है. सही है? आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास कंपेरिजन हो रहा है नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन पेशावर सिटी एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन पेशावर सिटी, के नंबर ऑफ हॉस्पिटल के कंपैरिजन हो रहे पेशावर सिटी में, और जबकि हमारे पास साइज ऑफ पॉपुलेशन जो लिविंग रह रहे पीपल पेशावर सिटी में, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हॉस्पिटल और साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है. सही है? लेकिन आप देख सकते हैं कि वेरिएबल सेम है पेशावर सिटी, लेकिन कैटेगरीज इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट है. सही है? इस तरह आप देख सकते हैं कि 2 आवर और 3 आवर ये हमारे पास रेशो है. सही है? इसको हम डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सही है? फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेशो. हमारे पास रेशो के कौन क्या प्रॉपर्टीज़ है या इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो बोथ यूज इन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी. हम डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी में रेशो को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव मेजर में हमारे पास ये डिस्क्राइब करता है मेल टू फीमेल रेशो ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, मीन कि हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा है जेंडर को लेकिन डिफरेंट वेरिएबल या डिफरेंट
ग्रुप मेल एंड फीमेल सही, इस तरह द रेशो ऑफ कंट्रोल टू केसेस सही है। एनालिटिकल टूल्स रेशो कैन बी कैलकुलेटेड फॉर, अब हम कहते हैं कि एनालिटिक, हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव मैयर देता है सही, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और एनालिटिकल टूल में हम मैयर कर सकते हैं सही है। तो एनालिटिकल टूल में हमारे पास आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड फॉर ऑक्रेस ऑफ इलनेस इंजरी और डेथ बिटवीन टू ग्रुप्स, हम दो ग्रुप में कंपेरिजन कर रहे हैं किसकी, बीमारी की, इंजरी की और डेथ रेशो की सही है। फिर आते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बेसिकली हम कहते हैं कंपेरिजन ऑफ द पार्ट टू द होल, कि हम होल लेते हैं लेकिन उसमें जो पार्ट है उसकी कंपैरिजन करते हैं सही है। इस तरह प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन जो है हमारे पास क्या है, रेट को एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज सही है। तो नोमिनेटर इज़ इंक्लूडेड इन डिनोमिनेटर, इसमें हमारे पास नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में इंक्लूडेड होता है सही है। फिर हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन, के हम कितने पर्सन या इवेंट ले रहे हैं टोटल नंबर या टोटल इवेंट में सही है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद स्पेसिफिक नंबर सही है। तो हमारे पास प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो पार्ट है किसका, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सही है। तो बेसिकली नोमिनेटर हम ये प्रोपोर्शन बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, कि हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कितने परसेंट एक्सपोज हुए हैं पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर को, और उसमें कितना डिजीज़ काज हुआ है। हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि कितने परसेंट एक्सपोज हुए और उसमें डिजीज़ कितना काज किया है सही है। इस तरह हम रिलेशनशिप देखते हैं स्मोकिंग, हम देखते हैं कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के एस्टिमेट करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट जो है वो सिगरेट करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस है कि हमारे पास लंग कैंसर डेवलप हो जाए सही है। तो इसमें हम कहते हैं कि नोमिनेटर मस्ट इंक्लूड डिनोमिनेटर, सिमिलरली हम इसको फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट जो है फिर हमारे पास आता है, तो रेट बेसिकली हम रिस्क रेट हमारे पास रिस्क मैयर है सही है। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, रेट में बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, रेट जब भी आ जाए तो इसमें हमारे पास क्या होगा, टाइम इंक्लूडेड होगा सही है। रेट बेसिकली हमारे पास डिजीज फ्रीक्वेंसी को शो करता है इन स्पेसिफिक टाइम, या हम कह सकते हैं कि हम हमारे पास डिजीज फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करता है डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट टाइम पे सही है। और रेट को हम कह सकते हैं कि हाउ समथिंग इज हैपनिंग आर गोइंग, हाउ फास्ट कितना तेज़ी से हमारे पास डिजीज़ फैल सकता है, तो इसको बेसिकली हम रेट कहते हैं। ये फिर एग्जांपल में आता है कि रेट हमारे पास डिस्क्राइब करता है कि डिजीज़ हमारे पास कितना क्विकली स्प्रेड करता है पॉपुलेशन में सही है। 70 न्यू केसेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पर 1000 वुमेन पर ईयर आया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास रेट है। अगर हम उसकी रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 70 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास रेट कितना आता है, 7% आता है सही है। तो और बेसिकली ये हमारे पास न्यू केसेस है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ अगर हमारे पास डिजीज़ जो है वो न्यू केसेस हो तो उसको हम इंसिडेंट कहते हैं, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो वो प्रिवेलेंस रेट होगा सही है। तो इसमें हमारे पास न्यू केसेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, तो हमारे पास कौन सा रेट है, इंसिडेंट रेट है सही है। दिस मेजर कन्वे अ सेंस ऑफ स्पीड विद विच डिजीज ओकर इन अ पॉपुलेशन, ये हमारे पास कन्वे करता है कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन में डिजीज़ कितने तेज़ी से फैल रहा है सही है। Thank you.